के अवार्ड्स हैं जो हजारों और लाखों में है. How beautiful. What an honor to come here and see all these awards. मैं मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं बोलने के लिए. और अगर मैं सच बोलूं तो मैं उनको बहुत तंग करती थी. जब वो रिकॉर्ड करते थे तो मैं बैठ के बोलती थी, मोहम्मद रफ़ी जी ज़रा याद देखिए ना. तो एक बार में नहीं देखते थे, लड़कियों को नहीं देखते थे. फिर मैं बोलती, प्लीज़ मोहम्मद रफ़ी जी मेरी तरफ़ देखिए ना, मैं मुमताज़ हूँ. तो वो क्या करते थे, तो बोलती थी, नहीं नहीं, आई लव यू मोहम्मद रफ़ी जी, आई लव यू. तो फिर ऊपर देख के, मुमताज जी मुझे गाना याद करना प्लीज़ प्लीज़. मुझे सॉरी 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 सॉरी. मैं उनको बहुत तंग करती थी, बहुत तंग करती थी. ये सारे अवार्ड्स हैं, अभी कितने दिखाऊं, या तो हजारों में. यहाँ भी है, देखिए, टर्न कीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, ऑल दीज. एंड आई एम रियली रियली इज फैन. आज भी जब मैं एक्सरसाइज करने नीचे जाती हूँ तो मेरा एक लड़का है, वो उसी के उनके ही गाने बजाता है और मैं उनके ही गाने सुन के एक्सरसाइज करती हूँ. ये सच बोल रही हूँ, कसम खुदा की. एनी हाउ, इनके जैसा ना कोई पैदा होगा आज और ना मुमकिन चीज़ है. अगर कोई थोड़ा बहुत नज़दीक आ सकते हैं तो इनके बेटे हैं, जो थोड़ा और रियाज़ करेंगे ना तो बिल्कुल उनके जैसी आवाज़ है. और मैं उनको कितनी बार कहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा रियाज़ कीजिए, थोड़ा रियाज़. एंड 100% उनकी याद आएगी जब ये गाना गाना गया था. मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ थोड़ा सा आप गाना गाइए तो हम हमेशा उनकी आवाज़ आप में महसूस कर सकते हैं. दैट्स इट. लव टू हिम अ लॉट. ये है माय फेवरेट मोहम्मद रफ़ी जी. एंड आई लव हिम एंड आई ऑलवेज लव हिम टिल आई एम अलाइव. और ये उनके नवाबजादे हैं. आगे चल के मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ थोड़ा रियाज कीजिए. आपका रियाज है लेकिन उन तक पहुंचने के लिए थोड़ा करना पड़ेगा. तो हम उनको हमेशा आपकी आवाज़ में देखेंगे प्लीज़. आइए आप लोग, आइए. ये उनकी बेटियाँ हैं, ये उनके सन हैं, ये उनकी बेटियाँ हैं और ये मेरी बहन है. मोहम्मद रफ़ी जी मेरे दिल में जब तक मेरी आखिरी सांसें रहेंगे, मेरे दिल में तो रहेंगे. आई डोंट नो अबाउट अदर्स एंड आई लव हिम.
इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती।